आज हम मौजूद हैं बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत खरौली गांव में, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि एक बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सेक्टर प्रभारी श्री लाल जी का आज देहांत हो गया है, जो आज अपने जीवन का अंतिम समय यहां पे गुजारे हैं। और इन्होंने अपने समाज के लिए क्या कुछ किया है आज देख पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं ये समाज में जो जागरूकता फैला रखा था इन्होंने, आज वो काम आ रही है। और ये BSP का बहुत अच्छे लीडर थे। आइए, उनके जो बेटे हैं उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि इन्होंने सामाजिक तौर पे क्या क्या किया था। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? अशोक जी, ये बताइए कि आपके पिताजी के सामाजिक जीवन कैसा रहा था? बहुत अच्छा रहा था। कितना दिन काम किए थे समाज के लिए? आप क्या करेंगे इनके बाद? इस कारवा को आगे ले जाएंगे कि यहीं छोड़ देंगे? आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे आगे। आप देख पा रहे हैं जैसा कि नीला झंडा, पंचशील वगैरह, ये जो बहुजन का शान बान शान कहा जाता है, वो सब आप देख पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से। आइए, हमारे बीच उनके मझले बेटे डॉक्टर मनोज राव अम्बेडकर मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जो आपके पिताजी का विचार था, और ये मनोज जी आप भूतपूर्व महासचिव बहुजन पूर्व प्रदेश महासचिव बहुजन समाज में रह चुके हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये जो कारवा है ये कहां तक जाने वाला है। सबसे पहले सर आपको धन्यवाद, आप कैमरामैन को, आप जो कि मीडिया वाले को सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। सर ये मेरे पिताजी थे, इनका नाम शिवराज जी था। मैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव हूँ। मेरे पिताजी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सेक्टर प्रभारी थे, और BSP में अपना पूरा जीवन दिए, और बाबा साहब के विचार पर चल करके अपना जीवन यापन किए। बाबा साहब के विचार पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचार पर चलने का काम हम लोग किए। हम लोग को निर्देश मार्ग वही दिए, पिताजी दिए, और उनके विचार, उनके कर्मा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए संकल्प किए। अब वो नहीं रहे दुनिया में, उनके बाद उनके कारवा का जो कार्यभार है वो कौन थामेगा पूर्ण रूप से? हम थामेंगे। थामेंगे? हाँ, थामेंगे। क्या लगता है आप समाज, जैसे इन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया उसमें आपका कितना सहभागी होना चाहिए? पूरा, आजीवन। आजीवन, आजीवन। और जो कुछ नया आज देखने को मिल रहा है, कि मैंने अभी तक जो डेड बॉडी है आज पंचशील में लिपटी हुई, कैमरा में थोड़ा सा दिखाइए अच्छे से, कि जो डेड बॉडी है चाचा जी का वो पंचशील में लिपटा हुआ है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक क्रांति है। इस पर आपका क्या दो शब्द होना चाहिए? ये सर, हम चाहते हैं कि ये पूरे देश के कोने कोने फैलाया जाए, सामाजिक परिवर्तन हो। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और भगवान तथागत बुद्ध के विचार को घर घर तक पहुंचाया जाए, पाखंड से छुट्टी लिया जाए, अंधविश्वास से छुट्टी। कहीं ना कहीं जो ये अंधविश्वास की बात किए हैं, तो आपके जो पिताजी हैं उन्होंने अपना जीवन बहुजन समाज के लिए दिया, और आप भी कार्यरत हैं। क्या लगता है आपके जो बेटे बेटियां हैं वो इस परिवर्तन का भागीदार बन पाएंगे? कोशिश करेंगे, हम तो निर्देश देंगे कि मेरा बच्चा, आने वाला पीढ़ी भी बाबा साहब के विचार पर चलते हुए, तथागत गौतम बुद्ध के विचार पर चलते हुए इस कर्मा को आगे बढ़ाएं। अपने जो समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, उनसे आप क्या अनुरोध करना चाहते हैं कि वो किस तरह का परिवर्तन लाए समाज में? मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ बहुजन समाज के लोगों से, कि बाबा साहब के विचार पर चलते हुए और ये पाखंड से छुट्टी लेते हुए, तथागत गौतम बुद्ध के विचार पर चलते हुए आए, इस रीति रिवाज को, बौद्ध धर्म को अपनाएं, और इसी तरह से आप सभी लोग अपने पिता के पूर्वजों का आज जितने लोग हैं दास संस्कार। जब डेड बॉडी आपके यहाँ से उठ के चलेगी तो उसमें आप क्या नारा लगाएंगे? हम सर नारा लगाएंगे, जीवन मरण सत्य है, सबका एक। राम नाम सत्य क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं सर, राम नाम सत्य है ही नहीं है, ये तो झूठा है, ये पाखंड है सर। ये तो सुप्रीम कोर्ट से ललित यादव भी पूरा 30 बीघा जमीन बेच दिए, लेकिन आज तक मतलब साबित नहीं हुआ। ये राम नाम सत्य है, तो जो गलत है, राम सत्य है नहीं, इसको हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि जीवन मरण सत्य है, आज सबका ही गत है। और बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। आइए, हमारे बीच मौजूद है भीम आर्मी के जिला संगठन मंत्री चंद्रमहान राव जी। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आप लोग इतना सामाजिक परिवर्तन करने का ठान रखा है, अपने जो भी आपके घर के डेथ किए हैं उनको आपने पंचशील झंडे में लपेट करके लाया है, तो ये समाज को क्या निर्देश देना चाहते हैं और क्या जगाना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। देखिए, ये जो प्राचीन सभ्यताएं हैं जो बौद्धिष्ट काल से चली आ रही थी, उसको इन्होंने अपने जीवन में पूरा जीवन समर्पित करके उस सभ्यता को, उस संस्कृति को सींचने का कार्य किया था, और आज इनके जीवन के अंतिम काल में हम लोग पुनः उस
प्राचीन सभ्यता को जीवंत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज को आप भी एक युवा साथी हैं, आज के जो युवा साथी हैं उनको आप क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के अनुसार? हम चाहेंगे अपने सभी नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से कि वो अपने प्राचीन इतिहास को पढ़ें और जानें और अपने धर्म बौद्ध के प्रति जागरूक रहें। ये जो इनका जो कार्यकाल रहा समाज में कितना सराहनीय रहा? इनका कार्यकाल अपने जीवन काल में बहुत ही अति सराहनीय कार्य रहा, जो कि इनके संघर्ष और बलिदान के माध्यम से समाज में परिवर्तन की दिशा था। अब आप क्या परिवर्तन लेकर आएंगे इनके, ये तो नहीं रहे अब, इनके बाद कैसा परिवर्तन चलेगा समाज में? हम समता, समानता, बंधुता की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और इनके जो त्याग बलिदान दे करके इन्होंने जो लाइन खींची है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत आइए, जो श्रीलाल जी का जो देहांत हुआ है, जो पूर्व सेक्टर प्रभारी थे, अब उनके संबंधी सारू भाई जो जाने जाते हैं रिश्ते में, वो अभी फिलहाल के बहुजन समाज के प्रदेश महासचिव मानवर अरुण कुमार हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये जो आज सामाजिक परिवर्तन है, जो सामाजिक क्रांति है, जिसका बीज बहुत पहले इन्होंने बो रखा था श्रीलाल जी, मानवर श्रीलाल जी ने, अब उनके कारमा को किस प्रकार से समाज में आगे तक ले जाने की आप लोग की इरादा है? सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, अरुण कुमार बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव से बना। आज जो परिनिर्माण हुआ है, ये बहुजन समाज पार्टी के 89 के कार्यकर्ता थे, हमारे सारू भाई थे, और ये पहला जब सेक्टर बहन जी ने बनाया था उसमें सेक्टर प्रभारी थे 2003-04। और आज जो है हम बहुजन समाज के तमाम संतों, गुरु, महापुरुषों से निवेदन करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। इन्होंने एक सबसे बहुत बड़ा काम किया कि अपने बेटा मनोज कुमार, जो खरौली के रहने वाले डॉक्टर मनोज राव अम्बेडकर, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं, उन्होंने अपने बेटा को इस मिशन मोमेंट में देने का काम किया। हम सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जितने पुराने साथी हैं, हम लोग निवेदन करते हैं कि आपके बुजुर्ग होने के बाद चले जाए, एक एक कार्यकर्ता अपने बेटे को इस मिशन मूवमेंट में दीजिए। इन्होंने दिया। आज डॉक्टर मनोज राव अंबेडकर जी मिशन मूवमेंट का काम कर रहे हैं, इनके पिताजी भी बहुत अच्छा काम किए। मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इसी तरह से जो मनोज जी, जो इनकी आत्मा के शांति के लिए परिनिर्माण के बाद जो नीले झंडे में, नीले कफन में इन्होंने दफनाने का काम किया है, और पंचशील झंडे के नीचे, और सबसे बड़ा उपलब्धि यह है कि इन्होंने मिट्टी के अंदर, शरीर का जो मिट्टी है वो मिट्टी के अंदर देने का काम किया है। ये संत महापुरुषों का इन्होंने रीति रिवाज लागू किया है, तो इनके माध्यम से मैं समाज को सीख देना चाहता हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए।